शेखर चंद जी विदिशा वाले कृपया मंच पर पधारे। पंडित अनिल कुमार जी गुना वाले कृपया मंच पर पधारे। क्या हो स्वस्तिक बनाइए, स्वस्तिक बोलो, मंगल करने वाली बनाइए, बोलो ज्ञानानंद महोत्सव की जय। मंगल कलश विराजमान करने वाली बहनें स्वस्तिक सचिन, स्वस्तिक बनाइए सचिन। रुको दो मिनट भाई, सचिन उद्घाटन करता आ रहे हैं, वो मंच उद्घाटन करेंगे बाद में बिठा लेना। पहले मंगल कलश विराजमान करने के लिए बहने आए, स्वस्तिक बनाइए। मीना दीदी, रविंद्र जैन पिपरा, श्री नेमीचंद जी बैसाखिया, श्री पवन कुमार जी पारोल और भैया लाल जी राजेश कुमार, राजेश कुमार जी पिपरोदा, ये मंगल कलश विराजमान करने वाले बहने। जल्दी आइए अपने अपने स्थान पर, स्वस्तिक बनाइए पहले पुष्प से। भैया आप लोग ऐसे हो जाओ बेटा, अजी आओ जी ज्ञानानंद की डगरिया। हाँ जी देखिए, अटल बिहार स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, आओ रे आओ आओ मारा साथी, आओ रे आओ आओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, मंगल स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, मंगल स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, उस पर कलश पधराओ मारा साथी, उस पर कलश पधराओ मारा साथी, आओ रे आओ आओ मारा साथी, आओ रे आओ आओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, बन गया बन गया बन गया, जाओ स्वस्तिक के लिए मंगल कलश विराजमान करने के लिए। आज सब कलश विराजमान करना, मैं बोलता हूँ मंत्र, सभी लोग साथ में। ओम अद्व भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मो मते अश्विन मासे ज्येष्ठ मासे कर्ण पक्षे दशमी तिथौ रविवासरे वीर निर्वासन 2543 भारत देशे मध्य प्रदेश प्रांते खनियाधान नाम नगरे नंदीश्वर चिन्ह मंदिरे श्री समयसार मंडल धन कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंडप भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याह वाचनार्थम पंच रत्न गंध पुष्पादि बीज पूर्ण शुभम मंगल कलश स्थापना करोमि हम झीम शीम हम सह स्वाहा। समय सार विधान की जय, बोलो ज्ञानानंद महोत्सव की जय। पंच परमागम, पंच परमागम विराजमान करने वाले जो कौन, पंच परमागम जो लेकर आए हैं वो विराजमान करने के लिए यही मांडले पर स्थापन करेंगे। समर्थ जैन विदिशा परिवार, साव परिवार खनियाधाना दिल्ली, सुनील जैन सरल, भैया सुनील जी सरल, प्रसम समर्थ बिहार भैया आ जाओ, और अभय कुमार पुजारी जिनवाणी विराजमान करने के लिए कृपया शीघ्र मांडला स्थान पर पहुंचे। अनंत धर्मस्तत्व पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। बोले द्वादशांतमयी जिनवाणी माता की जय, कुंद कुंद देव की जय हो, आचार्य कुंद कुंद विरचित पंच परमागमों की जय हो। अब यहां पर मंच के उद्घाटन करता अष्ट मंगल द्रव्य श्री अष्ट मंगल द्रव्य यहाँ वेदी पर लाकर के विराजमान करते हरियाणा से हमारे बीच में पधार चुके हैं। चमर जो लेकर के आए भी वेदी पर विराजमान करते, उनके द्वारा इस मंच का उद्घाटन चमर भी वेदी पर ला करके विराजमान करते, बाद में यहाँ सजाए जाएंगे उन्हें। अब यहाँ पर हमारे मंच का जो चिर प्रतीक्षित क्षण था मंच के उद्घाटन का, वह मंच उद्घाटन अति शीघ्र यहाँ पर होने वाला है हमारे, अतः अभिनंदन जी साहब प्रतिष्ठाचार्य महोदय से अनुरोध है श्री कि वो मंच उद्घाटन की विधि संपन्न कराएं।
प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री अभिनंदन कुमार जी साहब, उद्घाटन करता परिवार श्री ज्ञानचंद जी, अशोक कुमार जी, राकेश कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जैन, आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड झिरका हरियाणा से, जिनके द्वारा अभी जब आप आए होंगे तो इतना जो रोड का काम यहाँ पर चल रहा है, वो पूरी सड़क डालने का काम आपके ही कंपनी के द्वारा यहाँ पर चल रहा है और उनके कर कमलों से इस मंच का उद्घाटन हो रहा है। और मंच उद्घाटन तो कई जगह होता है, लेकिन जिन्होंने इस मंच को बनाने में, इस प्रांगण को बनाने में जो भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, पूरा शुरू से उनका सहयोग रहा है, पूरे 2-3 महीने से, और बराबर सहयोग भी रहा है, और आज हमें मंच उद्घाटन की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है। वो यहाँ पर पधार चुके हैं, कुछ ही क्षणों में ये मंच उद्घाटन की विधि संपन्न होगी। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री केपी सिंह जी कक्काजू भी पधार चुके हैं। भैया महावीर जी कठरिया हमारे जैन साहब को आगे लाए मंच के समीप, भैया महावीर कठरिया और उनके साथी आगे लाए। अब यहाँ पर हमारे पंडित जी श्री प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी द्वारा इस मंडप के उद्घाटन की मांगलिक विधि होगी, जिससे अविरत साथी 21 तारीख से 7 तारीख तक लगातार ज्ञान धारा बहेगी। हाँ, मंच उद्घाटन के समय हमारे इस शिविर के अध्यक्ष हमारे श्री प्रकाश चंद जी बैद गुना कृपया यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पधारे। साथ ही हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी पड़ेहार, साथ ही हमारे सभी ट्रस्टीगण, हमारे ट्रस्ट के सभी संरक्षक कृपया मंच पर इस मंच उद्घाटन के समय पर हमारे अतिथियों के साथ पधारें और ये विधि संपन्न करवाएं। हमारे भाई साहब श्री राकेश जी द्वारा मंगल सूत्र बांधा गया है और वीडियो, हाँ, और माल्यार्पण के लिए भाई साहब राज श्रीमान राजकुमार दाऊ परिहार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे ठेकेदार मंडप उद्घाटन करता का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे ट्रस्ट के संरक्षक श्री ताराचंद जी सिंघई जी भी कृपया यहीं पर मंच उद्घाटन के समीप पधारें। श्रीमत् परम गंभीरम साद्वादामोघलांचनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिनशासनम तज्जयति परम ज्योतिः समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम जात्यन्द सिंदूर विधानम सर्वविरोध मथनम लमाम्यनेकांतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान न आन जगत में सुखी को कारण यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाय भव्यता को उरान। जोरदार तालियां बजाकर हम सभी स्वागत करें। रीतरागी जैन धर्म की आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है रीतराग विज्ञान। सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे मंच के उद्घाटन का, जिस मंच के द्वारा ज्ञान धारा बहने वाली है, जो हमारे अनादि के दुखों को समाप्त करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान यहाँ से प्रवाहित होगा। जोरदार ताली बजा करके मंच पर बैठे हम लोग
सभी वकील साहब इधर एक मिनट सुरेश जी एक मिनट सभी आत्मार्थी महानुभाव अपने अपने स्थान पर विराजमान आसीन हो। हमारा आज का यह मंगल शिविर उद्घाटन का कार्यक्रम इस आज की उद्घाटन सभा के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन होने के लिए पहले मंच पर विराजमान कराने के लिए हमारे ट्रस्टीगण पहले शिविर समिति के अध्यक्ष भाई प्रकाश चंद जी वैद्य कृपया मंच पर आ जाएं। श्री राजकुमार जी जैन परिहार दाऊ कृपया मंच पर आ जाएं। भैया सुनील सरल जी संतोष जी वैद्य दीपक जैन बिया और राकेश कठरिया ये कृपया मंच पर पधारें। ये हमारे आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण तिलक अंगवस्त्र बैच लगाकर स्वागत करेंगे। आओ भैया राकेश जी सर्वप्रथम सभा की जिनके द्वारा आज अध्यक्षता होने वाली हो रही है हमारे इंदौर से पधारे अध्यक्ष पद के लिए सुशोभित करने वाले श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन श्रीमती ऋतु जैन इंदौर उनसे मैं अनुरोध करता हूं कृपया आज पधारकर अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। भाई डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन श्रीमती ऋतु जैन इंदौर आ गए भैया डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन श्रीमती ऋतु जैन इंदौर। कहाँ है बोलो मुंशी सुनील जी अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन श्रीमती ऋतु जैन इंदौर उनसे आज की यह सभा गौरवान्वित होगी। अध्यक्षता पद के लिए डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन आज के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं हमारे सभी तिलक करने वाले तिलक करेंगे हमारे पदाधिकारियों से निवेदन जैसे ही हम यहां अतिथियों को आमंत्रित करेंगे उसी के साथ आप तिलक माल्यार्पण अंगवस्त्र और बैच लगा करके उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जिनसे आज की यह सभा गौरवान्वित है जिनके दर्शनों के लिए जिनके सानिध्य का लाभ लेने के लिए हम सभी निरंतर लालायित रहते हैं इस सभा शिविर के मुख्य आदरणीय डॉक्टर हुकम चंद जी भारिल साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और हमारे पदाधिकारी गणों से उनको विराजमान हो चुके हैं। सभी पदाधिकारी वहाँ शीघ्रता से सभी स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हमारे विधायक माननीय श्री केपी सिंह कक्का जी भी पधार चुके हैं। मैं उनको सादर विराजमान कराते हुए हमारे ट्रस्टीगण अतिथिगण इनसे अनुरोध करता हूं कि वो माल्यार्पण तिलक आदि करके स्वागत करें। नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समस्त ट्रस्टीगण से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर पधारें। समस्त ट्रस्टीगण नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टीगण सभी शीघ्र मंच पर पधारें और हमारी इस स्वागत विधि में सहयोगी हों। श्री कैलाश चंद्री गुलर श्री नरेंद्र कुमार जी कोठादार श्री सतीश जी बैद श्री राजीव जी सिंगई श्री विनय कुमार जी पटवारी और हमारे ट्रस्ट के संरक्षक आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री जी भी कृपया मंच पर पधारे। आइए भाई साहब उसके पश्चात जिन्होंने आज का ध्वजारोहण किया है भाई आदेश जैन बत्सल
IRS अहमदाबाद से मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया वो मंच को सुशोभित करें। भैया आदेश जैन कहाँ है, आ जाओ हमारे समक्ष। आइए, जोरदार तालियां बजाकर हम हमारे झंडारोहण करता परिवार से स्वागत करते हैं। आइए भाई साहब। विधान मंडल में कोई कंजूसी ना करें। मंच उद्घाटन करता चौधरी कपूर चंद जी, देवेंद्र कुमार, अरविंद जैन, राजेंद्र जैन में से भाई मंच पर पधारे हैं। चौधरी कपूर चंद जी साहब खनिया धाना। मंच उद्घाटन करता चौधरी कपूर चंद जी साहब उनका सम्मान करेंगे। मंगल महो सब आज आनंद छाया है उर में, मंगल महो सब आज आनंद छाया है उर में, 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 मंगल महो सब महान आनंद छाया है उर में, मंगल महोत्सव महान आनंद छाया है उर। बड़ा पूर्ण अब सर यह आया, बड़ा पूर्ण अब सर यह आया, प्रशिक्षण शिविर का अवसर आया, प्रशिक्षण शिविर अवसर आया, खुशियां है अपरंपार आनंद छाया है उर में, खुशियां है अपरंपार। भाई भानु चौधरी विधान मंडप उद्घाटन करता चौधरी राजकुमार जी, सुरेश कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, आनंद कुमार जी परिवार बानपुर, कृपया मंच पर आसीन हो। मुख्य अतिथि द्वितीय मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान शैलेंद्र प्रताप सिंह जी देव, नगर पंचायत अध्यक्ष। आगे भैया शैलेंद्र प्रताप सिंह जी देव, नगर पंचायत अध्यक्ष पधार चुके। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी जैन ललितपुर मुख्य अतिथि के रूप में पधारिए। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी जैन ललितपुर आइए। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान आनंद कुमार जी जैन रोकड़िया चंदेरी, जिनसे यह शिविर सुशोभित होने जा रहा है। 18 दिन का यह महामांगलिक ज्ञानानंद महोत्सव, उस ज्ञानानंद महोत्सव को संपूर्णता संचालित करने वाले हमारे विद्वतगण डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब तो हमारे मंचासीन हो ही चुके हैं। मैं ब्रह्मचारी यशपाल जी जैन ट्रस्टी पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से अनुरोध करता हूं, कृपया मंचासीन होकर हमें गौरव प्रदान करें ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब। भाई भानु चौधरी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जो इस शिविर के शिविर संयोजक हैं भाई भानु चौधरी, जो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, कृपया मंच पर पधारे। मंच माइक लग रहे हैं, बाकी सब हमारे शिविर के प्रेरणा स्रोत ब्रह्मचारी सुमत भैया जी, सुमत प्रकाश जी भाई साहब, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आसीन हो। भाई साहब सुमत प्रकाश जी देश विदेश में प्रसिद्ध, हमारे प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया मंचासीन होकर मंचासीन होवें। सद्भाग्य की बात है आज हमारे बीच ब्रह्मचारी जतीश भाई जी प्रतिष्ठाचार्य भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका मंच पर समस्त हमारे ट्रस्टीगण और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो ब्रह्मचारी जतीश भाई जी को आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करें। ब्रह्मचारी अमित भैया जिनके निर्देशन में यह संपूर्ण शिविर संचालित होने जा रहा है, ब्रह्मचारी अमित भैया विदिशा। पुनः ब्रह्मचारी कैलाश चंद जी अचल ललितपुर, उनका भी मांगलिक उद्बोधन प्रवचन अपने को निरंतर लाभ लेने को मिलेंगे। हमारे विद्वत श्रेष्ठ पंडित अभय कुमार जी देवलाली से मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया वो मंचासीन होकर हमें स्वागत का अवसर प्रदान करें। भाई साहब अभय कुमार जी आगे। डॉक्टर राकेश कुमार जी नागपुर, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया मंचासीन होकर स्वागत का अवसर देवें। भाई साहब राकेश जी आंगणीय अवसर आ
अवसर आज चालो खनिया धाना में आंगनिए अवसर आज चालो खनिया धाना में आंगनिए अवसर आज चालो खनिया धाना में आज यहाँ मृदंग बाजे आज यहाँ मृदंग बाजे जैन धर्म की जय जय गाजे जैन धर्म की जय जयकारे आंगनिए अवसर चालो खनिया धनाम आंगनिए अवसर चालो खनिया। पंडित टोटरमल सिद्धिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के उपप्राचार्य पंडित शांति कुमार जी पाटिल से मैं अनुरोध करता हूं और उनको सम्मानित करने के लिए हमारे ट्रस्टीगण से अनुरोध करता हूं कि वो शांति कुमार जी पाटिल को सम्मानित करें। भाई अनिल जी शास्त्री गुना, अनिल भाई अनिल जी शास्त्री गुना मैं अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर पधारें। भैया अनिल जी शास्त्री गुना जयपुर से, पंडित टोटरमल स्मारक ट्रस्ट के मैनेजर भाई पीयूष जी शास्त्री से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कृपया मंच पर पधारें। भैया पीयूष जी शास्त्री, हमारे समस्त ट्रस्टीगण कृपया मंच पर उनको तिलक और सम्मान करके। भाई पीयूष जी, पंडित प्रवीण कुमार जी शास्त्री बांसवाड़ा, पंडित प्रवीण कुमार जी शास्त्री बांसवाड़ा जो वहाँ के प्राचार्य हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर पधारें। भाग्य की बात है पंडित टोटरमल स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री भाई पंडित परमात्म प्रकाश जी भारेल भी हमारे बीच मंचासीन हैं, मैं हमारे ट्रस्टीगण से अनुरोध करता हूँ कृपया उनका माल्यार्पण के स्वागत करके। भाई पंडित अध्यात्म प्रकाश जी भारेल मुंबई, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित कर हमारे समस्त ट्रस्टीगण से अनुरोध करता हूँ सम्मान करें। पूरे प्रशिक्षण शिविर के निर्देशन के रूप में बाल कक्षाओं का बाल बोध प्रशिक्षण कक्षाएं, प्रवेशिका प्रशिक्षण कक्षाएं जिनके निर्देशन में संपन्न होंगी, पंडित कमल चंद जी पिड़ावा से मैं अनुरोध करता हूँ जिनका आज सुबह सुबह हमने मांगलिक प्रवचन भी लाभ लिया है। पंडित कमल चंद जी पिड़ावा मैं अनुरोध करता हूँ कि उनको मंच पर आसीन हों और हमारे ट्रस्टीगण उनका सम्मान करें। प्रशिक्षण के अध्यापन के रूप में पंडित आलोक कुमार जी शास्त्री कारंजा, भाई आलोक जी शास्त्री कारंजा जहां भी हैं कृपया शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पधारें। इस प्रशिक्षण शिविर में जो प्रशिक्षण कक्षाएं और शिक्षण कक्षाएं, सैद्धांतिक कक्षाएं, प्रायोगिक कक्षाओं का लाभ हम सबको देने वाली हैं, ऐसी विदुषियां भी हमारे बीच हैं, मैं उन विदुषियों से भी अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर पधारेंगे। विदुषी शुद्धात्म प्रभाजी टड़ैया मुंबई, दीदी शुद्धात्म प्रभाजी टड़ैया मुंबई कृपया मंच पर पधारें। भाभी जी लता भाभी जी देवलाली कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर स्वर्ण लता जी नागपुर कृपया अग्रगण्य पंक्ति में पधारें। डॉक्टर स्वर्ण लता जी नागपुर, भाभी मोना भाभी जी भारिल जयपुर, मोना दीदी मोना भाभी भारिल जयपुर कृपया मंच पर पधारें। इस मंच पर क्योंकि यह ज्ञानानंद महोत्सव का मंच है, आगे पंडित निलय जी शास्त्री आगरा कृपया मंच पर पधारें। भूल गया छोटी बाई श्रीमती गुणमाला जी भारिल मम्मी, बड़ी छोटी बाई से मैं अनुरोध करता हूँ कृपया आप मंच पर पधारेंगे, हमारा यह महान गौरवकारी का साली कार्य होगा। और माता बहन का स्वागत करने के लिए कौन है? हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत
बहुत दिन बीते नाम अनेक धराए हम तो कबहू न निज घर आए हम तो कबहू न निज घर आए यह बहु भूलो भई हमरी फिरो यह बहु भूलो भई हमरी फिरो कहा काज पछताए दौल तजो अजो हूँ विषयन को दौल तजो अजो हूँ विषयन को सदगुरु वचन सुहाए हम तो कबहू न निज घर आए हम तो कबहू न निज घर आए हम तो कबहू न निज घर आए भाई वसुदेव नरक निज जानो पर जय बूति लहाए हम तो कबहू न निज घर आए पंडित पंडित सिद्धार्थ जी दोषी रतलाम उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कृपया मंचासीन होकर हम सबको गौरवान्वित प्रदान करें। दोषी जी आइए पधारिए भगवान। कारंजा ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान भरत भौरे जी कृपया मंच पर पधारें। भरत कुमार जी भौरे जी हमारे खनिया धाना में जो नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव में जिन्होंने सौधर्म इंद्र का पद अपने आप को सुशोभित किया था और इस सभा को वो भी हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान एसपी जैन वन अधिकारी भोपाल भाई एसपी जैन साहब कृपया मंच पर पधारें। हमारे नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पूर्व ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक श्रीमान नाथुराम जी वैद्य कृपया मंच पर पधारें। जय हो भगवान। हमारे इस शिविर के प्रशिक्षण की कक्षाएं लेने वाले श्रीमती आशा जैन जयपुर विदुषी प्रतीति पाटिल जयपुर विदुषी ज्योति सेठी जयपुर और जो और कक्षाएं लेने वाले हैं भैया संयम जैन शास्त्री नागपुर अच्युत कांत शास्त्री जयपुर अनिल जैन जयपुर अशोक जी शास्त्री इंदौर निलय जी शास्त्री आगरा निखिलेश जी शास्त्री दलपतपुर रितेश जी शास्त्री डडूका पंडित संजय जी सेठी जयपुर और हमारे ट्रस्ट के संरक्षक दाऊ ताराचंद जी सिंघई कृपया मंचासीन होकर हम सबको गौरव प्रदान करें। आमंत्रण की प्रक्रिया में हम तो यह भावना भाते हैं हम सब के सब भगवान आत्मा हैं तो सबके सब सिद्धालय में विराजमान होने लायक स्थिति के लायक हैं। सबके सब आदरणीय समस्त अतिथिगण हमारे अभिनंदनीय स्वागत योग्य हैं। मैं इस स्वागत श्रृंखला के उपरांत जिन वाणी हमारी मुतियन जड़ी जो जिन वाणी पढ़े पढ़ावे जो जिन वाणी सुने सुनावे मुक्ति दिया तक द्वारे खड़ी जिन वाणी हमारी हीरा जड़ी हो जिन वाणी हमारी हीरा जड़ी हो जिन वाणी हमारी मुतियन जड़ी जिन वाणी हमारी मुतियन जड़ी। पंडित जिन कुमार जी शास्त्री जयपुर वो भी कक्षा लेने वाले अध्यापक हैं भाई जिन कुमार जी शास्त्री जयपुर स्वागत की परंपरा को यहीं विराम देते हुए मैं इस
बहन प्रज्ञा बहन देवलाली वो भी कक्षा लेने वाली, पंडित गौरव जी उकलकर कक्षा लेने वाले भाई गौरव जी बोल दिया ना। धन्य धन्य वीत राग वाणी अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वीत राग वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी, ओ धन्य धन्य वीत राग वाणी अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वीत राग वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम, ज्ञान निजातम राम। स्वागत श्री हमारे अध्यक्ष राजकुमार जी पलियार कर रहे हैं, श्री राकेश जी दिल्ली, जो आत्माति ट्रस्ट दिल्ली में आजकल वहां संभाल रहे हैं व्यवस्था, उनके स्वागत के लिए श्री राजकुमार जी पढ़े मंगलाचरण। अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वीत राग वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी, तेरी जग में कहानी। सभा में सर्वप्रथम जिन स्मरण के लिए मंगलाचरण करता हमारे विद्वत वर्य पंडित अभय कुमार जी शास्त्री से मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया मंगलाचरण करके इस सभा को विधि पूर्वक प्रारंभ करावें। भाई साहब अभय कुमार जी देवलाली, बड़ी देर से हमारे भाई साहब अभिनंदन जी मंगलमय हो रहे हैं और हम सबको मंगलाचरण का रस आस्वादन करा ही रहे हैं, पता नहीं क्यों फिर शायद उनकी जोड़ीदार होने से मुझे पुनः आदेश दिया गया है। सभी सावधान हो जाएं, सावधान मुद्रा में बैठें, हाथ जोड़ें, पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे, ऊपर नीचे जो भी बैठे हों सावधान हो जाएं। नमो अरहंतारणम, नमो सिद्धारणम, नमो आयरियारणम, नमो वज्जायारणम, नमो लोए सवसाऊणम, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गण धर न पावे पार है, बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना सतबार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना सतबार है। बहुत सुंदर पंच परमेष्ठी स्मरण, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की वंदना के उपरांत सर्वप्रथम इस सभा में आए समस्त अतिथिगण, मंचासीन और सर्व अग्रासीन पीछे सभी जन के स्वागत के लिए मैं हमारे शिविर समिति, हमारे नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री भाई सुनील सरल जी स्वागत सभाषण समर्पित करेंगे। भाई साहब सुनील जी सरल। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंचासीन सभी हमारे विद्वत वर्ग, अतिथिगण
और सभी साधर्मी जन, बाहर से पधारे हुए समस्त साधर्मी जन एवं हमारे नगर के सभी साधर्मी जनों एवं समस्त मंडलों का, हम आपका इस ऐतिहासिक नगर खनिया धाना में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हुए हैं यह बहुत ही पुण्य स्थल है। पुण्य स्थल कैसे है? यहाँ ये खनिया धाना नगर ग्वालियर स्टेट में था। खनिया धाना नगर स्वयं सेपरेट स्टेट थी और पास में गुलर गांव तक चारों तरफ ग्वालियर स्टेट थी। ग्वालियर स्टेट में गजरथ को मनाई थी कि वहाँ गजरथ नहीं चला सकते थे, तो हमारे महाराजा खलग सिंह जुदेव ने ये स्थान दिया और यहाँ पर 3 बार गजरथ हुए, जो नंदीश्वर मंदिर बना हुआ है उस स्थल पर भी गजरथ की वेदी है और जहाँ भोजनशाला बनी हुई है उसके साइड में भी एक गजरथ की वेदी है और यहाँ साइड में भी एक गजरथ की वेदी थी। 3 बार यहाँ गजरथ चले, जो यहाँ धर्म की विशेष दीप डाली, मैं इस अवसर पर याद करना चाहूँगा ब्रह्मचारी चेतन लाल जी, जिन्होंने ही आदरणीय बाल ब्रह्मचारी देश विदेश में ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचारी ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी उनके सानिध्य में रहे और उनके सानिध्य में ही उन्हें तत्व ज्ञान की ऐसी लगन लगी कि आज वह तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में संपूर्ण जीवन अपना समर्पित करके वो बराबर इसमें लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय जतीश भाई जी उनके साथी हैं। यहाँ ये जो प्रांगण है, नंदीश्वर मंदिर का प्रांगण, वो एक पड़ाव के नाम से प्रांगण जाना जाता था। पंडित साहब यहाँ पधारे अभिनंदन कुमार जी, समाज ने बात रखी कि पंडित साहब आपकी जन्मभूमि है, यहाँ कुछ विशेष ऐसा होना चाहिए। पंडित साहब की भावना जगी और उन्होंने अपने सपने को स्वीकार करते हुए विशाल नंदीश्वर दीप की स्थापना यहाँ पर की गई। वर्ष 2002 में पंचकल्याणक महोत्सव हुआ, वह भी एक अद्वितीय पंचकल्याणक था। संपूर्ण देश और विदेश से साधर्मी जन हमारे इस छोटे से नगर में पधारे और उसी समय यहाँ आदरणीय डॉक्टर साहब भारेल जी से चर्चा हुई और एक ज्ञान यज्ञ रचाने की भूमिका बनाई गई कि चेतन हीरों को यहाँ से तराशने का कार्य प्रारंभ किया जाए। और 25 फरवरी 2002 को यहाँ विद्यापीठ और विद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई, जिसमें पंडित प्यारे लाल जी पन्ना लाल जी गजिया परिवार, जो खनिया धाना के ही रहने वाले थे, उन्होंने उस समय 11 लाख रुपए देकर और इसका शुभारंभ किया। वह संस्थापक हैं और उनके संपूर्ण परिवार का आज भी बराबर हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के मार्गदर्शन में ये विद्यापीठ और विद्यालय बराबर संचालित है। आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र जी भले ही अमायन हैं, लेकिन यहाँ की एक एक रिपोर्ट, एक एक जानकारी, जैसे सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ हो, इसकी जानकारी एक एक पल पल की उन्हें यहाँ की रहती है और उनका दिशा निर्देशन बराबर प्राप्त होता है। यह विद्यालय 2002 में 57 मात्र 57 छात्रों से प्राप्त हुआ था, आज 900 से ऊपर छात्र इस विद्यालय में हैं।
इस विद्यालय की इस वर्ष कक्षा दसवीं में एक कुशवा छात्रा ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में सातवां स्थान प्राप्त किया है। अभिलाषा कुशवा उस बच्ची का नाम है। हमारे मूल स्तंभ जो आज हमारे बीच नहीं है, श्री बालचंद जी कोठाधार, श्री काशी प्रसाद जी सिंघई, श्री गेंदालाल जी पुजारी, शिखरचंद जी पुजारी।